अब हम देखेंगे लॉग पीरियोडिक एंटीना की एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम यूज कहाँ करेंगे। तो नेचर ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या था, ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो जहां हमारा सोर्स की फ्रिक्वेंसी हमें विद इन अ बैंड अननोन है या एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसी भी हमें कभी कभी मिल सकती है, वहां पे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। अगर हमें सिग्नल इंटरसेप्ट करने हैं, किसी के सिग्नल हमें से चुरा के पढ़ने हैं, उसके लिए भी हमें लॉग पीरियोडिक एंटीना का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि किस रेंज के अंदर वो फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी। तो उस रेंज के आसपास की रेंज का हम फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना या लॉग पीरियोडिक एंटीना डिजाइन करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो लॉग पीरियोडिक एंटीना आर यूज फॉर टेलीविजन रिसेप्शन वेयर ओनली वन लॉग पीरियोडिक डिजाइन इज सफिशियंट फॉर ऑल चैनल्स अप टू UHF बैंड। यानी कि एक लॉग पीरियोडिक एंटीना आपने लगा लिया और पूरे UHF बैंड को उसने कवर कर लिया, ये एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा इट इज द बेस्ट सुटेड फॉर ऑल अराउंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब आपको समझ ही आ रहा है, इन विच केस ए सिंगल लॉग पीरियडिक एंटीना विल कवर ऑल द हायर फ्रिक्वेंसीज बैंड। आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं इससे, जो मैंने आपको बताया कि हमें सिंगल सिग्नल इंटरसेप्ट करने हैं अगर, तो हम लॉग पीरियडिक का यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमें सिग्नल की रेंज मालूम है कि ये F1 से F10 के बीच में कहीं सिग्नल होगा। सिग्नल की एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी अगर हमें नहीं मालूम है तो हम लॉग पीरियोडिक एंटीना का यूज करेंगे, और जहां भी सिग्नल की एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी हमें मालूम है वहां पे हम सिंपल डायपोल यूज करेंगे या और कोई भी एंटीना यूज करेंगे। क्योंकि लॉग पीरियोडिक एंटीना के साथ क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होने के कारण इसकी कॉस्टिंग भी है, इसकी हैंडलिंग भी है, इसकी फीडिंग भी है। तो जहां भी हमें मोर देन वन सिग्नल्स मिलेंगे या मोर देन वन सिग्नल्स आर यूज टू बी इंटरसेप्ट, हम वहां लॉग पीरियोडिक एंटीना का यूज करेंगे। ये इसका एप्लीकेशन है रियल लाइफ में।